हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बैटरी वाला पानी होता है तो बैटरी में पानी कौन सा डालना चाहिए और कब डालना चाहिए और कौन सा डालना चाहिए, सोलर बैटरी में कौन सा पानी पड़ता है और जो अपनी ट्यूबलर बैटरी है वो उसमें कौन सा पानी पड़ता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए पानी की, जो अपनी बैटरी में पानी पड़ता है वो कौन सा आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कभी भी आप घर का जो पानी होता है वो मत डालिए, क्योंकि वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है आपकी बैटरी के लिए, नुकसानदायक होता ही आपकी बैटरी के लिए, और उससे आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है और उसका बैकअप कम हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा पानी डालें और कब डालें। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल मार्केट से कटे हुए हैं, बहुत दूर पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा जो परचेज में आता है, जैसे कि ये बैटरी के लिए मैं पानी लाया हूँ, तो अगर वो आपको पानी कहीं मिल ही नहीं रहा है, आप अफ्रीका के जंगल में बैठे हैं, तो आप उबला हुआ पानी डाल सकते हैं बैटरी में या बारिश का पानी डाल सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा, अगर आपको अवेलेबिलिटी है तो आप पैसे बचाने के चक्कर में उबला हुआ पानी या फिर बरसात का पानी ना डालें। आप सीधा जाइए दुकान पे और आपको ऐसी बोतल्स में किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, जैसे ये गोरा कंपनी का है बैटरी वाटर सोडियम फ्री, तो ये मैं लेके आया हूँ और ये मुझे 45 रुपए की जो ये 5 लीटर की बोतल है वो मिली है। तो ये आप बैटरी का पानी ला सकते हैं और इसको डाल सकते हैं। तो अब तो बात हो गई कि कौन सा पानी आपको डालना है। आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, क्या है, कैसा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी एक अच्छी कंपनी का ही आप पानी जो है वो डालें। तो उतना ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है और हो सकता है आपको भी ना हो कि कौन सा डालना है, वो बैटरी वाला ही आपको बताएगा। हाँ, अगर कोई आप पानी लाते हैं एक बार और वो अच्छा आपकी बैटरी में वर्क करता है तो आप वो दोबारा ला के डाल सकते हैं। तो अब बात तो हो गई कि कौन से डालनी है, कौन सा पानी डालना है। फिर दूसरी बात आती है कि सोलर बैटरी में और ये जो अपनी ट्यूबलर बैटरी है तो उसमें इन्वर्टर जो बैटरी है तो कौन सा पानी उसमें पड़ता है। तो सेम ही पानी दोनों ही बैटरी में पड़ता है, कोई बैटरी में इतना वो खास डिफरेंस नहीं होता है कि उसमें आप दूसरा पानी डालेंगे या सोलर बैटरी में दूसरा पानी पड़ेगा, तो दोनों ही बैटरी में यही पानी पड़ता है, इसको डिजिटल वाटर कहते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि कब आपको पानी डालना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मेरे बैटरी के लेवल इंडिकेटर हैं, जो वाटर इंडिकेटर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। ये अब ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये एकदम ही सूखा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं बैटरी में एकदम पानी बचा नहीं है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं अपनी बैटरी जो है वो सूख चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं ये आपको खोल के दिखाऊं यहां पे, तो ये भी आप देखिए और ये देख सकते हैं आप अपनी बैटरी में जो है पानी वो बहुत ही कम बचा हुआ है। ये मैं अगर आपको दिखाऊं, आई थिंक मेरा जो लेवल इंडिकेटर है वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं ये, तो इसमें थोड़ा सा पानी है फ्रेंड्स, लेकिन इस वाली सेल में बिल्कुल भी पानी नहीं, एकदम सूख चुका है। तो ये जो इंडिकेटर हैं इनको ज़रूर ध्यान से देखिए, ये देखिए ये टूट चुके हैं कुछ, तो अगर ये नहीं सही से लगे हैं तो आपको झांक के देखना पड़ेगा कि बैटरी में पानी है या नहीं है। तो बहुत कम बैटरी में पानी बचा हुआ है और मुझे पता कब चला, जब मेरे इन्वर्टर का बैकअप डाउन हो गया, कम हो गया, तब मैंने देखा कि शायद बैटरी में पानी कम है, इसलिए जो है वो बैकअप अच्छा नहीं आ रहा है। तो अब चलिए डालते हैं इसमें पानी। तो आपको पता चल गया कि कब बैटरी में पानी डालना है, जब आपके इंडिकेटर ये डाउन हो जाएं। अगर आपकी नई बैटरी है तो उसमें इंडिकेटर काफ़ी अच्छे से लगे होंगे, तो वो एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी नहीं ये उठते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब चलिए इसमें डालते हैं पानी। तो इसको हमको खींचना पड़ेगा बाहर, क्योंकि ये अंदर है, तो इसको बाहर खींचते हैं ट्रॉली को और फिर इसमें पानी डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पानी डालें अपने इन्वर्टर में तो उसको ऑफ कर दें और लाइट का MCB भी ऑफ कर दें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, बाकी दिक्कत कोई आती नहीं है। तो अब मैं इसमें ग्लास से पानी डालूंगा, क्योंकि इन्वर्टर निकाल के रखना फिर बैटरी को उठाना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी से ग्लास से उसमें पानी आसानी से डालूंगा, क्योंकि इतनी जगह होती है जो
ग्लास से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और वैसे अगर मैं इन्वर्टर का वो सब ट्रॉली वगैरह निकालता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता मुझे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही अपनी बैटरी में जो है पानी फिल कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको पानी फिल नहीं करना है कि ऊपर तक फुल कर दिया। आप देखते हैं जहाँ तक इसकी बॉडी का ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक ही आपको फिल करना है, या फिर आप इंडिकेटर डाल के भी देख सकते हैं कि कितना आपको फिल करना है, उससे ज़्यादा फिल नहीं करना है। जब आपका बैटरी लेवल इंडिकेटर यहाँ ग्रीन तक आ जाए, ये ऊपर तक आ जाए, वहाँ तक ही आपको इसमें वाटर जो है वो फिल करना है। जल्दी से मैं सारे के सारे इंडिकेटर निकाल लेता हूँ और इसमें फिल करता हूँ। ये हो गया। और फ्रेंड्स, अगर वाटर लेवल इंडिकेटर लगे हैं आपकी बैटरी में तो उन्हें कभी भी ना निकालें, उनको लगा रहने दें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ केमिकल पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ होता है, जिससे कि जो धुआं, जो इसकी बदबू निकलती है वो ये फिल्टर कर देता है, तो ये आपको नुकसान नहीं करता है। चलिए जल्दी से डालते हैं पानी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि जो अपना पानी है वो फिल हो चुका है और इंडिकेटर जो है वो एकदम फिल दिखा रहा है। तो इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, ऐसा नहीं करना है कि ऊपर तक पूरा भर देगा। अगर ऊपर तक आप भर देंगे तो जो पानी है वो बाहर बह करके आ जाएगा। वैसे ये पानी बह के नहीं आया, ये चूहों ने टॉयलेट करा है यहाँ पर, तो वो पानी पूरा बह करके आएगा और बदबू मचाएगा, ये सब सारी दिक्कतें ये करेगा। तो आपको कम ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कि वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।